नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 12 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पटना विश्वविद्यालय अब बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय ने मांगा प्रस्ताव। पटना विश्वविद्यालय अब बनेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग बहुत पहले ही की जा रही थी, लेकिन अब उपराष्ट्रपति कार्यालय से पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यालय ने यह पूछा है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने से संबंधित कोई भी कागजात अभी तक उपराष्ट्रपति कार्यालय को क्यों नहीं मिली है। पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अनुरोध किया था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश की मांग को टालते हुए कहा था कि केंद्र सरकार उससे भी बड़ी चीज देने जा रही है। राजद के खुला अधिवेशन में तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार घोषित। पटना के बापू सभागार में राजद द्वारा आयोजित खुला अधिवेशन में तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं और समर्थकों को तीन बातें कही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को समझाते हुए पहली बात में कहा है कि राजद का बैरी बीजेपी नहीं बल्कि जदयू है। वहीं दूसरी बात कहते हुए उन्होंने बताया है कि जदयू उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में है। और तीसरी बात में उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा। खुला अधिवेशन कार्यक्रम का उद्घाटन तेजस्वी यादव ने किया था। वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। आप घर बैठे पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर का कर सकेंगे दर्शन। पटना के महावीर मंदिर में बहुत जल्द ही एक चैनल शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद 1 जनवरी से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालु महावीर मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना लाइव देख सकेंगे। इसके साथ ही आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पास चल रही राम रसोई में होने वाले कार्यों को देख सकते हैं। इस चैनल की शुरुआत जियो द्वारा किया जा रहा है। चैनल की शुरुआत की बात को लेकर आचार्य कुणाल ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से चैनल की शुरुआत होगी। जियो से 3 साल का करार हुआ है। चैनल चलाने के एवज में जियो मंदिर ट्रस्ट को हर साल 5 लाख रुपए देगी। कैबिनेट को मिली मंजूरी, सामान्य प्रशासन में 806 पदों पर होगी बहाली। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग में 806 पदों को भरने के लिए निर्णय लिया गया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के अंदर आने वाले 806 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। इन पदों में से 56 पदों को प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के मुख्यालय स्तर पर फ्लोटिंग पद के रूप में रखे जाने की मंजूरी मिली है। रालोसपा 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा भारत के लौह पुरुष और देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाएगी। रालोसपा के प्रवक्ता आशुतोष झा ने बताया कि 15 दिसंबर को पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में युवा लोक समता द्वारा भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल की 69वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। आशुतोष झा ने कहा कि इस पुण्यतिथि समारोह का उद्घाटन रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। खुला अधिवेशन में बोले तेज प्रताप, तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। पटना के बापू सभागार में राजद का राष्ट्रीय खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि हमारे प्रिय चाचा को सब लोग जानते हैं। हम लोग जब मंत्री बने, काम करने लगे तो नीतीश जी और सुशील मोदी जी के पेट में दर्द होने लगा कि नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। वह लगातार हमें कोसने की कोशिश करने लगे। अधिवेशन में आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम लालू प्रसाद के नक्शे कदम पर चलेंगे। राजद का एलपी मूवमेंट कहलाएगा। सिटीजनशिप बिल का हर तरह से विरोध होगा। पटना जू में चिंपांजी के उछल कूद से दर्शकों का बढ़ेगा रोमांच। रैंप हो रहा है तैयार। पटना जू में चिंपांजी को देखना अब आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से रैंप बनाया गया है, जहां दर्शक आसानी से चिंपांजी को देख सकते हैं। जू में केज को आकर्षक और सुरक्षित ढंग से बनाया गया है। रैंप बनाने का कार्य अभी चल रहा है। उद्घाटन के निदेशक अमित कुमार और रेंज ऑफिसर आनंद कुमार ने बताया कि 15 दिनों में चिंपांजी केज को पूर्ण रूप से बनाकर बाहरी क्षेत्र को हरा भरा बनाकर दर्शकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। चिंपांजी को केज में उछलते कूदते करते देखा जा सकता है। चिंपांजी को धूप बारिश से बचाव की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए रैंप और सीढ़ी बनाई गई है। खुशबू ने फिर बढ़ाया जिले का मान, राज्यपाल के हाथों से होगी सम्मानित। सीतामढ़ी की बिटिया खुशबू ने अपने शहर का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। इस बार मौका है बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के हाथों पुरस्कृत होने का। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षा समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। सीतामढ़ी की बिटिया ने एमएससी वनस्पति विज्ञान वर्ष 2019 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए इन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। खुशबू की इस उपलब्धि पर माता पिता समेत परिवार के लोगों में खुशी की लहर है। आपको बता दें, इससे पहले वर्ष 2014 में नालंदा खुला विश्वविद्यालय में पटना में आयोजित सिल्वर जुबली समारोह में वाद विवाद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान हासिल कर जिले का मान बढ़ाया था। तब बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक एवं मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने खुशबू को सम्मानित किया था।
रामविलास पासवान ने कहा, आधार नहीं होने की वजह से राशन से वंचित नहीं होंगे लाभार्थी। संसद भवन में जदयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के सवालों का जवाब देते हुए रामविलास पासवान ने बताया कि उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बार बार कहा है कि केवल आधार न होने के कारण लाभार्थियों को खाद्यान्न से वंचित किए जाने या राशन कार्ड डेटाबेस से परिवार का नाम काट दिए जाने की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोलते हुए कहा है कि आधार प्रमाणन असफल रहने की स्थिति में वास्तविक लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों की सुपुर्दी सुनिश्चित करने के लिए उचित दाम की दुकानों पर ही अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए वैकल्पिक विधियां या दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। लालू प्रसाद यादव 11वीं बार बने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पटना के बापू सभागार में राजद का राष्ट्रीय खुला अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में उनके निर्वाचन संबंधित प्रमाण पत्र, उनके दोनों बेटे, विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को सौंपा गया, जहां राजद नेता तेजस्वी यादव को राजद के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषणा की गई। वहीं लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर और दरभंगा में करेंगे जागरूकता सम्मेलन को संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर दरभंगा के दौरे पर हैं। सीएम नीतीश कुमार पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए महेशपुर पहुंचने के बाद जीर्णोद्धार कराए गए तालाब को देखेंगे। इसके बाद जीविका समूह की ओर से चलाए जा रहे हायरिंग सेंटर के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद वृक्षारोपण को देखेंगे और यहीं पर मुख्यमंत्री जागरूकता सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वो जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में लोगों को बताएंगे। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ राजद के कार्यकर्ताओं और नेता ने किया विरोध। केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ राजद के नेता और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एनआरसी देश को तोड़ने की कोशिश है, यह अल्पसंख्यकों को चिन्हित करने का बहाना है। जीडीपी लगातार गिरता जा रहा है, आगे ले जाने का सपना दिखाने वाले न सिर्फ देश को पीछे ले जा रहे हैं बल्कि संविधान को खत्म करने पर तुले हैं। पैक्स चुनाव में 80% पुराने पैक्स अध्यक्षों की हुई जीत। पटना जिले में पैक्स के पहले चरण में हुए चुनाव में 80% पुराने पैक्स अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। 12 पैक्स अध्यक्षों को छोड़ शेष जगहों पर पुराने पैक्स अध्यक्ष ही निर्वाचित किए गए हैं। 14 पैक्स अध्यक्ष को निर्वाचन चुनाव किया गया है। पालीगंज के 4 पैक्स ऐसे हैं जहां देर से मतदान हुई, यहां का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। प्रथम चरण में कुल 67 पैक्स अध्यक्षों के लिए मतदान हुआ है, इनमें 63 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी परिणाम की सूची के अनुसार 63 में 12 नए पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, जबकि 51 पुराने अध्यक्ष विजय घोषित किए गए हैं। बिहार सरकार ने बाढ़ से नुकसान के लिए केंद्र से मांगे 2400 करोड़ रुपए। पिछले दिनों प्रदेश में आई बाढ़ की वजह से आम जनजीवन को काफी नुकसान हुआ था। राज्य में 2 बार आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से कुल 2400 करोड़ रुपए की मांग की थी। पहली बार बाढ़ के बाद सरकार ने 2760 करोड़ की मांग की थी, लेकिन इसी बीच राज्य में दोबारा फ्लैश फ्लड आ गया। केंद्रीय टीम ने दोबारा बाढ़ का जायजा लिया और इससे हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी। सरकार ने दोबारा भेजी गई रिपोर्ट में 1599 करोड़ रुपए की मांग की है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने उद्योगपतियों को बिहार में निवेश के लिए किया आमंत्रित। बिहार में निवेश के लिए प्रदेश के उद्योग मंत्री श्याम रजक देश के 5 राज्यों में दौरे पर थे। इस दौरान निवेशकों को प्रभावित करने के लिए बिहार का उद्योग विभाग ने मुंबई में इन्वेस्टर रोड शो का भी आयोजन किया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था उद्योगपतियों बिहार में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित हो। इस दौरान श्याम रजक ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की और बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तेज प्रताप के नए लुक को यूजर्स ने किया ट्रोल। हमेशा अपने डिफरेंट लुक के लिए लाइमलाइट में रहने वाले लालू के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। तेज प्रताप यादव इस बार भी अपने डिफरेंट गेटअप और लुक से लोगों के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। इस बार तेज प्रताप यादव बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर को कॉपी करते दिखे। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी जैसे ही चेंज की, लोगों के कमेंट्स आने लगे। सैकड़ों यूजर्स ने तेज प्रताप के इस लुक को लाइक किया और ढेर सारे कमेंट्स भी किए हैं। इसके बाद इनकी रॉकस्टार वाली फोटो ट्विटर पर ट्रोल होने लगी। जदयू ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल का किया समर्थन। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर समर्थन करने के बाद जदयू ने राज्यसभा में बिल का समर्थन किया है। जदयू सांसद आरसीपी सिंह ने सदन में बिल के समर्थन में जदयू का पक्ष रखा है। जदयू सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस बिल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। इस बिल में संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है, न ही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। जदयू ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया है। जदयू सांसद बोले कि हमारा देश रिपब्लिक है, यहाँ के नागरिकों को समान अधिकार है। रणजी ट्रॉफी में पुडुचेरी से 10 विकेट से हारा बिहार। मोइनुल्लक स्टेडियम में पुडुचेरी के खिलाफ चल रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में बिहार को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पुडुचेरी ने बिहार को 10 विकेट से हरा दिया है। जीत के साथ ही पुडुचेरी ने 7 महत्वपूर्ण अंक अर्जित किए हैं। बुधवार को 61 रन पर 4 विकेट से आगे खेलते हुए बिहार ने अपने सभी विकेट 196 रन पर गंवा दिए हैं। इसके साथ ही टीम के ऊपर हार भी मंडराने लगा है। तीसरे दिन पुडुचेरी को जीत के लिए मात्र 70 रन चाहिए थे, जिसे उसने बिना विकेट खोए बना लिए।
झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 17 सीटों के लिए आज डाले जाएंगे वोट। रांची, काकेहटिया, रामगढ़ और बरखट्टा विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि शेष इलाकों में शाम 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना प्रशासन के लिए एक चुनौती है, इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एएमयू किशनगंज सेंटर के निदेशक ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर के निदेशक डॉक्टर हसन इमाम ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान निदेशक ने मुख्यमंत्री को एएमयू किशनगंज सेंटर की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एएमयू किशनगंज सेंटर को सरकार हर संभव सहायता देगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा आर के महाजन, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा एवं एएमयू के पूर्ववर्ती छात्र मोहम्मद परवेज सिद्दीकी उपस्थित थे। राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग के 7 प्रस्तावों को दी मंजूरी। राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग के 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1288 करोड़ रुपए का खर्च करना शामिल है। इसने सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनकारों के लिए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। डीए में वृद्धि इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार पर 1078 करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कृषि विभाग की 7 प्रस्तावित योजनाओं में रबी फसल के मौसम के लिए किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान, 12वीं पास किसानों को जैविक सब्जी के खेती में सहायता करना शामिल है। नए नियम के अनुसार 23 लाख की गाड़ी अब 40,000 का मोबाइल रख सकेंगे मंत्री। बिहार कैबिनेट के नए नियम के अनुसार कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री 40,000 रुपए तक का मोबाइल फोन की खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही 23 लाख रुपए की अधिकतम सीमा में ही सफेद या उससे मिलते जुलते रंग की कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। इससे पहले गाड़ी खरीदने की अधिकतम सीमा 12 लाख रुपए थी। वहीं राज्य कैबिनेट के उप मुखिया और पंचायत समिति को आर्थिक मामले में अधिकार दिया गया है। प्रधान सचिव डॉक्टर दीपक प्रसाद ने कहा है कि वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 के नियम 16 में संशोधन करने की स्वीकृति दे दी गई है। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। इस गुलाबी ठंड के मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी दिखने लगेगा। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आप देख सकते हैं बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लोहरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। इस स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने एवं मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद यह धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभ पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,150 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.36 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.99 रुपए प्रति लीटर था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए नागरिकता संशोधन बिल पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चकदे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।